सभी भाइयों को मेरी आज की राम राम। काफ़ी लंबे समय बाद बातचीत हुई है। गरीबों के चौपाल का चौथा एपिसोड का हम शूट कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय बाद एपिसोड आ रहा है सीरीज़ का, और ये आई क्यों ना, एशिया कप कल से स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान में एशिया कप का शेड्यूल रखा गया है। पाकिस्तान के तो सारे मैच ही पाकिस्तान में है, फॉर द ऑब्वियस रीज़न। लप्पू सा पाकिस्तान है, सिक्योरिटी से देनी आवे ना है, टेररिस्ट का इसका पूरा नाता है, बैकग्राउंड है, कौन आवे यहाँ पे। जो भी आ रहा है भैया, उनको तो बेस्ट ऑफ लक। अपनी जान से प्यारा कुछ नहीं है दोस्तों। और इंडिया के सारे मैच श्रीलंका में है, इंडिया बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर रही पाकिस्तान में, और जाए भी क्यों, हमें क्यों क्रिकेट खेलना है क्रिकेट नेशन में जहाँ पर टेररिज्म को इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे तो इसके लिए बिल्कुल ही हार्ड विचार है, और ये चेंज होना भी नहीं चाहिए। चाहे लोग कुछ भी बोलें, स्पोर्ट्स स्पिरिट व्हाटएवर द शिट इज, बट ये कभी चेंज होना भी नहीं चाहिए। जो जो कंट्री जब तक हमारे सोल्जरों को मार रही है, नॉर्मल इंसानों को मार रही है, उनके साथ हमें कोई क्रिकेट टाई नहीं रखनी चाहिए। कल का एशिया कप का पहला मैच नेपाल और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मुल्तान से। मुल्तान से वीरेंद्र सहवाग की मुल्तान की सुल्तान वाली इनिंग याद आ जाती है। क्या कूटा था पाकिस्तान को, मज़ा आ गया था, बचपन की यादें हैं वो। चलो वो तो भूतकाल की बातें थी, अभी हम प्रेजेंट पे रह के बातें करेंगे। पाकिस्तान की करंटली टीम काफ़ी स्ट्रांग है, हाल ही में वो नंबर वन उन्होंने रेटिंग अचीव करी है वनडे क्रिकेट में। वो तो आप कुछ भी बोल लो, कोई टीम आज वनडे क्रिकेट खेल ही नहीं रही, वो अकेले कच्चे बच्चे टीमों के साथ खेल के नंबर वन पहुँच गए हैं। पर उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा लग रहा है पाकिस्तान की टीम का, उनके जो स्टार्टिंग के तीन बैट्समैन है काफ़ी एक्सपीरियंस है। चाहे तो आप वो फ़खर जमान उनके ओपनर ले लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी से वो लगातार खेले जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली भी खेल रहे हो। इमाम उलग वो भी काफ़ी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, आराम से इनिंग बिल्ड करके खेलते हैं। सेम विद बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, ये सब उनके पास ऑलराउंडर काफ़ी अच्छे हैं पाकिस्तान के पास। आप देखें तो उनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी नीचे तक है, जो कितनी होती नहीं थी रिसेंट टाइम में। आप देखें तो शादाब खान, उसके बाद मोहम्मद नवाज़, इनके दो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक ठाक तो कर ही सकते हैं। शादाब ने तो काफ़ी इम्प्रूव करी है बैटिंग अपनी। उसके बाद नीचे आगे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किसी ने बैटिंग में किया है वो शाहीन शाह अफरीदी, खूब छक्के खूब चौके लगा रहे हैं पीएसएल में। इस बार उन्होंने खूब बाउंड्री मारी थी मेरे ख्याल से, बहुत क्विक 550 भी उन्होंने मारी थी पीएसएल में। और तो और नसीम शाह नंबर 10 पे आके हिटिंग करके मैच जिता रहे हैं। और आप ग्रुप का भी पार्टीशन देखें तो एशिया कप में इस बार दो ही ग्रुप बने हैं, टीम भी इस बार 6 ही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। नेपाल की भी लास्ट मिनट एंट्री करवाई गई है, नेपाल इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा हुआ है। नेपाल सोच रही होगी मैं क्यों आ गई इन दोनों के बीच में पिटने के लिए, नेपाल के चांसेस बहुत ही डिमेंस में, उनको आउट ऑफ द स्किन जाके खेलना पड़ेगा, कुछ फेंटे वेंटे मारने पड़ेंगे, थोड़ा संघर्ष दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट आए मैच में। और वहीं जो दूसरा ग्रुप है उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है, ये मजबूत ग्रुप है, तीनों टीम काफ़ी कम्पिटिटिव है। ये जरूर है कि अफगानिस्तान हाल ही में ही 3-0 पाकिस्तान से हारी है, पर मेरा यकीन मानिए जिस दिन उनके तुक्के चले और जिस दिन थोड़ी सी भी पिच उनकी स्पिनिंग फेवरेबल हुई, वो पाकिस्तान के धुएं उड़ा देगी किसी भी दिन किसी भी ग्राउंड पे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इंडिया में वर्ल्ड कप है वहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चेन्नई में है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान को कुत्तों की तरह पीटे, कुत्तों की तरह बोल रहा हूँ मैं आपको, चेन्नई में। चलो वो तो फ्यूचर की बातें हैं, पहले मैच पे फोकस करते हैं। नेपाल वर्सेस पाकिस्तान मुल्तान से मैच होगा ये, पाकिस्तान को आसानी से जीत मिल जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ नेपाल थोड़ा आउट ऑफ द स्किन खेले, अच्छा कंपटीशन दे, बहुत क्रिकेटिंग लविंग कंट्री है। आप देखते होंगे वीडियोस भी इंटरनेट पे, काफ़ी सारे लोग नेपाल को सपोर्ट करने आते हैं उनके। देखी मैंने एक वीडियो, मेरे को अच्छे से याद है, जो नेपाल में एक मैच हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज द मैच, मेरे को याद नहीं आ पा रहा है, पर इतने लोग थे नेपाल को सपोर्ट करने के लिए कि मेरे को अच्छे से याद है कि पेड़ के ऊपर भी लोग चढ़ के मैच देख रहे हैं, दीवारों के ऊपर, पेड़ के ऊपर, इतना क्रेज़ है नेपाल में। मैं चाहता भी हूँ नेपाल क्रिकेट थोड़ा डेवलप हो और भी एसोसिएट नेशन डेवलप हो। उनके कुछ एक दो अच्छे प्लेयर भी हैं, संदीप लामी शाह ने काफ़ी टाइम से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, बट उनकी रिसेंटली कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी टाइम से गायब है, जब से उनके पास हरासमेंट का केस हुआ था। जो इनके उभरते सितारे हैं वो हैं इनके कप्तान रोहित, वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, और मैं देख रहा था काफ़ी टाइम से, फॉलो भी करता हूँ, छोटी छोटी T20 लीग्स हैं उन्होंने में जाकर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छी स्ट्राइक रेट से भी रन बनाए हैं। नेपाल की बस एक पॉजिटिव बात है, वो छोटा मोटा क्रिकेट कहीं ना कहीं खेलते रहते हैं। ये टीम काफ़ी टाइम से एक ही यूनिट में खेल रही है, एक ही टेम्पलेट से खेल रही है, बस थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा रखे नेपाल क्रिकेट टीम, कंधे लगाए, कंधे से कंधे मिलाए, इनके जाके फेंटा मारा अच्छे से, वो शोएब अख्तर भाई बोलते ना, फेंटा मार दिया। तो मैं चाहता हूँ नेपाल पाकिस्तान को फेंटा मारे, बट ये रियलिटी में बहुत मुश्किल लग रहा है गाइस। उम्मीद ये है मैच काफ़ी अच्छा होगा और एशिया कप अच्छे शुरुआत से एक स्टार्ट होगा। जय हिंद दोस्तों।